हेलो फ्रेंड्स, भारतीय अदालत ने गुलूकार दलेर मेहंदी को इंसानी स्मगलिंग केस में 2 वर्ष कैद की सजा सुना दी है। भारतीय रियासत पटियाला की अदालत ने मारूफ भारतीय गुलूकार दलेर मेहंदी के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग केस का फैसला सुना दिया है। दलेर मेहंदी को 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद गुलूकार को अहाता अदालत से ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दलेर मेहंदी और उनके भाई पर 2003 में इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम आयद किया गया था। दोनों भाइयों पर पैसे लेकर लोगों को बैरून मुल्क भेजने के इल्जाम थे, जो अदालत में साबित हुए। गुलूकार लोगों को गैर कानूनी तौर पर मुल्क से ये कहकर बाहर भिजवाते थे कि वो उनके बैंड का हिस्सा हैं। दलेर मेहंदी और उनके भाई ने 1998 और 1999 में 10 अफराद को अपना ग्रुप मेंबर जाहिर करके अमेरिका पहुंचाया था। भारतीय मीडिया का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज होने पर गुलूकार और उनके भाई को अक्टूबर 2003 में गिरफ्तार किया गया था। ताहम दोनों भाइयों ने अदालत से जमानत हासिल कर ली थी, जिसके 22 उन्हें रिहा किया गया। फ्रेंड्स, इंडियन प्रीमियर लीग के बानी और मारूफ ताजिर ललित मोदी ने बॉलीवुड अदाकारा सुष्मिता सेन को अपना हमसफर मुंतखब करने का ऐलान कर दिया है। मारूफ भारतीय ताजिर इन दिनों मालदीव में अपनी नई हमसफर के साथ छुट्टियां गुजार रहे हैं, और वो हमसफर कोई और नहीं बल्कि 1994 में मलके हुसन का आलमी मुकाबला जीतने वाली सुष्मिता सेन है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर भारतीय अदाकारा सुष्मिता सेन के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग IPL के बानी चेयरमैन और नामवर ताजिर ललित मोदी से खामोशी से शादी कर ली है। इन खबरों का आगाज ललित मोदी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर तस्वीर शेयर होने के बाद हुआ। IPL के बानी ने अपनी पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि अभी मुख्तलिफ ममालिक घूम कर लंदन वापिस आया हूँ, यहाँ मैं अपनी बेटर हाफ सुष्मिता सेन का तस्करा करना चाहूँगा। बिलाखिर एक नई जिंदगी की शुरुआत हो गई है, लगता है मैं चांद से भी ऊपर हूँ। ललित मोदी की इस पोस्ट पर सोशल मीडिया सार्फीन ने ये मतलब निकाला कि अदाकारा खामोशी से ललित मोदी के साथ रिश्ता इज़्तवाज में मुंसलिक हो गई है। फ्रेंड्स, बिग बॉस OTT फेम उर्फी जवेद अपने फैशन सेंस की वजह से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। उर्फी का अपना नोखा अंदाज है, वो मगरबी और बाज़ औक़ात रिवायती लिबास के साथ तजुर्बा करती रहती हैं। उर्फी का निराला अंदाज उन्हें हमेशा सुर्खियों में रखता है। उर्फी जवेद हर रोज पापाराज़ी पर अपने मजबूत लुक के साथ मौजूद रहती हैं। उर्फी जवेद के अंगूठे पर कट लग गया है, जिसकी वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साथ ही इस वीडियो में उर्फी कैमरे के सामने अपना कटा हुआ अंगूठा दिखाती हुई नजर आ रही हैं और कहती हैं कि आज मैं रोई नहीं। उसके साथ ही उर्फी अपने अंगूठे पर खून से अपनी दोस्त की मांग भरती नजर आ रही हैं। इस दौरान उनके साथ मजीद दोस्त भी मौजूद हैं। उर्फी के इस मजाही अंदाज पर अदाकारा के साथ उनके तमाम दोस्त भी जोर जोर से हंसते हुए नजर आ रहे हैं।